प्रदान करागला 67तम जातीय चलचित्र पुरस्कार। सुपरस्टार रजनीकांत को मिलला दादा साहेब फाल्के सम्मान। निज बस ड्राइवर बंधु को पुरस्कार उत्सर्ग कले रजनीकांत। श्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री पुरस्कार पाइले धनुष, मनोज बाजपेयी एवं कंगना। विविधता मध्यरे एकतार बार्ता देछि भारतीय सिनेमा बोली कहिले उपराष्ट्रपति। दिल्लीर विज्ञान भवन रे अनुष्ठित होइ जाइछि 67तम जातीय चलचित्र पुरस्कार रो उत्सव। 2019 रो विभिन्न हिंदी एवं आंचलिक भाषार चलचित्र एवं एथि सहित संपृक्त सिने व्यक्तित्वंकु एहि उत्सव रे सम्मानित करा जाइतिला। भारतीय सिनेमा पई निजर जीवन व्यापी अवदान सकासे सुपरस्टार रजनीकांत को मिलितिला सम्मानजनक दादा साहेब पुरस्कार। एहि अवसर रे आयोजित एक उत्सव रे जोग देथिले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एवं केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। भारतीय सिनेमा मनोरंजन सहित सचेतनतार वार्ता देवार काम करिछि एवं एबे केंद्र सरकार सिनेमार उन्नति पई किपरि पदक्षेप नेउछन्ती से बाबदरे कहिथिले केंद्रमंत्री। एक प्रयास किया जाता है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, आप देश भर में कहीं पर भी अपने शूटिंग करना चाहते हो आपको उसकी अनुमति मिले और आपको सहयोग दिया जा सके ताकि देश और दुनिया भर के डायरेक्टर्स यहां पर आकर शूटिंग कर सकें। हिंदुस्तान एक अपने आप में एक ऐसी भूमि बनी है आपके प्रयासों से, आपके सब पिछले कई वर्षों के कामकाज के कारण कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर आकर फिल्म प्रोडक्शन करना चाहते हैं, शूटिंग करना चाहते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का कामकाज यहाँ पर करना चाहते हैं। यहाँ पर आरंभ होइतिला हिंदी समेत विभिन्न आंचलिक भाषार सिनेमा पाई पुरस्कार प्रदान, जहाँ को प्रदान करिथिले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हिंदी सिनेमा भोंसले पाई मनोज बाजपेयी एवं तमिल सिनेमा असुरन पाई साउथ स्टार धनुष को युग्म भावे मिलिथिला श्रेष्ठ अभिनेतार सम्मान। सेपरि हिंदी सिनेमा मणिकर्णिका द क्वीन अफ झांसी एवं पंगा पाई कंगना रानौत को मिलिथिला श्रेष्ठ अभिनेत्री सम्मान। प्रिया दर्शन को निर्देशित मलयालम सिनेमा मरक्कर लाइन अफ द अरबियन सी को प्रदान करा जाइछि बेस्ट फीचर फिल्म रो पुरस्कार। यहाँ सहित स्वर्गत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का अभिनीत सिनेमा छिचोरे को मध्य बेस्ट हिंदी सिनेमा भाबरे पुरस्कृत करा जाइथिला। तेबे निज जादूकारी अभिनय माध्यम रे हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा रे अनेक वर्ष धरी प्रभाव विस्तार करि आसिथिबा सुपरस्टार रजनीकांत को एही उत्सव रे प्रदान करा जाइथिला सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के सम्मान। उपराष्ट्रपतिंक ठारु सम्मान पाइबा अवसर रे निज अतीतर स्मृतिचारण करिथिले रजनीकांत। तांकर बस ड्राइवर बंधुंकु उत्सर्ग करिथिले पाइथिबा सर्वोच्च सम्मान। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, respected IB Minister, respected Muruganji, dignitaries, all the award winners, good morning to everybody. I'm extremely happy to receive this prestigious award and my heartfelt thanks to central government for honoring me with this most prestigious Dada Saheb Phalke Award. I dedicate this award to my mentor, my guru, K. Balachandra sir. This moment, I remember him with great gratitude. And my brother Satyanarayan Rao Gaikwad, who is like my father, who brought me up with teaching me with great values and injecting me a spirituality in me. And my friend Ekanandaka, bus transport driver, my colleague Raj Bahadur. When I was the bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me and encouraged me to join cinemas. And all my producers and directors who produce my films, and technicians who worked in, and co-artists, and all the distributors, exhibitors, the media, press, and all my fans, and Tamil people, without them, I am nobody. Enna vaala vekkum devangalana Tamil makkalukku nandri. एही उत्सव रे पूर्वरु चयन करा जायतिबा हिंदी समेत ओडिया एवं अन्य आंचलिक भाषार श्रेष्ठ सिनेमा गुडी को पुरस्कृत करा जिबा सहित विभिन्न विभाग पई मध्य सम्मान प्रदान करा जायतिला। भारतीय सिनेमा विविधता मध्य रे एकतार वार्ता प्रदान करिथाय बोली निज अभिभाषण रे कहितिले माननीय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू।
भारतीय फिल्म उद्योग ने विभिन्न भाषाओं में अपनी पहचान बनाई है, चाहे वो भोजपुरी फिल्म हो या तमिल या फिर उड़िया या असामी फिल्म हो, अन्य भाषाओं में भी उल्लेखनीय फिल्में बन रही है। भाषाओं के विभिन्नता के बावजूद सिनेमा की अपनी ही अलग भाषा होती है, जो क्षेत्रीय या सांप्रदायिक सीमाओं से ऊपर है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता भारत का विशेषता। We are all Indians, north or south, east or west. India is the best. 2019 रा जातीय पुरस्कार 2020 रे दिया जिबा को स्थिर होइतिले मध्ये महामारी जको एक स्थगित रखा जायतिला। गत मार्च मास रे घोषित होइतिला विभिन्न विभाग पै पुरस्कार, जहां अक्टूबर 25 तारीख दिन प्रदान करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।